वेल, बिग बॉस का हमेशा मैं फ़ैन रहा हूँ और आई थिंक इस बार तो बिग बॉस ने छप्पड़ फाड़ दिया है. आई थिंक आप ना चाह के भी आपको हर जगह बिग बॉस दिखेगा. यू नो, आप इंस्टाग्राम देखो, ट्विटर देखो, हर जगह बिग बॉस है. आई थिंक सारे कंटेस्टेंट दे आर डूइंग वेरी गुड. फेवरेट आई मीन सारे दोस्त हैं वहाँ पे, तो सभी अच्छे हैं. और जैसे जैसे स्टोरी बदलती जाती है, आपके फेवरेट्स भी बदलते जाते हैं, यू नो, उस माहौल के हिसाब से. वेल, मुझे हमेशा और देविना को ऑफ़र हुआ है बिग बॉस, लेकिन मुझे हमेशा लगता है मैं नहीं हो पाता है. पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक मैं चुपचाप ही बैठा रहूँगा. बिग बॉस में कुछ तो करना चाहिए, तो मैं थोड़ा शांत बैठ के रह जाऊँगा तो मैं जल्दी शायद आउट हो जाऊँगा. हाँ, हो सकता है कि फैंस मुझे वोट दे के मुझे बचा लें, लेकिन आई थिंक उसमें जोश चाहिए बहुत. नहीं, मेरा ये साइड और वो साइड, सारे मेरे फैंस मुझे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया में यू नो, आपका पर्सनल लाइफ आप कैसे हो सबको पता रहता है. आई थिंक बिग बॉस मुझे देखना बहुत पसंद है. सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जब भी वो आते हैं तो मज़ा आता है देखने में, लगता है वो उनका शो है, तो देखने में मज़ा नहीं कर पाऊँगा. उन्होंने बोला केक भी लेके आए. मेरा बर्थडे गया. I think jitni bhi actors the, they have done fantastic job, and you know the concept was outstanding, and जिस कहानी पे बेस्ड, आई मीन जो स्टोरी उठाई है वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है लोगों तक, वहाँ तक पहुँचे. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़के हो या बच्चियाँ हों, यू नो, अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चे समझ के उन पर इतनी नज़र नहीं रख पाते, ध्यान नहीं दे पाते. और आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों के साथ यू नो इमोशनली उनको ब्रेक डाउन करते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्चुअली इस फिल्म से समझ आता है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको समझ आना चाहिए बच्चा क्या बोलना चाहता है. यू नो, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत नहीं बोल पाते, लेकिन उनकी एक्सप्रेशन से आपको समझ आना चाहिए कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है. तो यू नो, यू हैव टू बी अलर्ट. तो ये शॉर्ट फिल्म ये समझाती है आपको. और प्लस आई मीन बहुत ही अच्छा शूट किया गया था. जिस तरीके से इमोशन थे, जिस तरीके से क्लाइमेक्स था, वो बहुत ही रियल था. यू नो, वो आप क्लाइमेक्स में आपको यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है. आई थिंक उसके लिए आप सभी को देखना चाहिए ये शॉर्ट फिल्म. दैट्स ट्रू. आई थिंक ऐसी फिल्में बहुत ज़रूरी है कि बने, ताकि अवेयरनेस हो, सबको पता चले कि ऐसा भी हो सकता है. यू नो, जब तक किसी को होता नहीं तब तक उस फैमिली को पता नहीं चलता. तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक पता चले. इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बहुत सारे ऐसे फिल्में बनती थी, अवेयर करती थी. जब डीडी में जब शोज आते थे, एक ऐड आता था बड़ा सा, इसमें यू नो हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया जाता था. तो हम बड़े जब हुए, ये देखते हुए बड़े हुए, और अब हमें मालूम है बहुत सारी चीज़ों की, यार इससे दूर रहना, ड्रग्स से दूर रहना. लाइक जब हम बच्चे थे ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ आता था, हम बड़े हुए तो हमें मालूम चला यार इससे हमें दूर, हमें इसके पास भी नहीं जाना, या कोई कर रहा है तो उसको रोकना है. तो आई थिंक ऐसी फिल्में जब बनती हैं जब बच्चों के ऊपर, तो आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. वेल, न्यू ईयर आ रहा है तो मैं और देविना परफॉर्म करते हैं हर साल, और अलग अलग स्टेट में होता है. तो इस बार लास्ट ईयर तो हमने दिल्ली में परफॉर्म किया था, इस बार हमारे मुंबई में कर रहे हैं. तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुंबई के लोगों से बहुत ही प्यार है, और हमारी सारी मीडिया के सामने परफॉर्म करने का भी अलग मज़ा होता है. यू नो, सो दैट आप यू नो तुरंत आपको लोग देखते हैं, जो आपके फैंस हैं वो आपको देख पाते हैं. तो आई थिंक कल से हमारी उसकी रिहर्सल स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत बड़ा शो है, तो बहुत डांस है, रिहर्सल्स है. तो कल आई मीन 10-15 दिन हमारा पूरा उसमें जाने वाला है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yeah.
I think everybody's done a beautiful work, and the short film is very beautiful, and it tells you what's going on around the world. It's really sad to even see such a thing, because even I have a daughter, and I'm sure everybody, you know, have to be careful in this today's world. And it's so uncanny, but it's not a, I had done a song, Uri Naseeba, which showed the same facts. So I can really connect to it, because I have seen this happening around. We read in the newspaper, but when you see, when somebody close to it, it's happened to the person, they only know how hard and how hurtful it is. So yes, I wish Vanita all the best. Thank you. Ready? Okay, so film देख के आ रहे हैं बहुत ही positive shopping को लेकर film बनी है and जो अभी फिलहाल का जो scenario अभी देश में जो चल रहा है उसको लेकर क्या लगता है कितना awareness ये film आवे मरियर directed by Vanita Umang Kumar. बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत कमाल की डायरेक्शन है, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ जो इसमें है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है, उसका मैसेज, मैसेज ऑफ चिल्ड्रन बीइंग अब्यूज्ड, और ऐसे टॉपिक को लेकर इतनी सेंसिटिविटी से उन्होंने बनाया है कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत वाकई इसमें समाज कल्याण की बात है तो, और समाज बदलने की बात है. So I commend her, I congratulate her. Bahut hi khoobsurat film banayi hai Vanita. You want to say something? No, it's a beautiful film that Vanita's made. It's deeply moving, and it's going to raise awareness of everybody. Sometimes you're just not aware of what's happening in your own surroundings, and it's a beautiful film, and hopefully there's helpline numbers at the end. It'll just raise awareness. People will start being just a little bit more aware of what's happening. It's such a beautiful film. Yet deeply disturbing, but these are the stories we need to talk about. These are the narratives we need to discuss. These are things that are the ugly sides that we have to look at. And sometimes film can help bring about that change in society. So, you know, good luck, Vanita, and I'm so glad you made this film. Very proud of you. इसमें सोचने की बातें हैं और करने की बातें हैं. एक-एक ख्याल प्रवोक होता है हमें. एक-एक इच्छा उभरती है कि हम इसके बारे में कुछ करें. दैट इज द सक्सेस ऑफ अवे मरिया बाय वनिता. हाँ जी बहुत अच्छी फिल्म है और ये ट्रू है, ऐसा होता है. ये बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट पे पिक्चर बनाई है वनिता ने. बहुत आई थिंक बहुत सुपर फिल्म है ये, बहुत दिल को छूने वाली फिल्म है और सब एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया. बिल्कुल ऐसी फिल्म और बननी चाहिए और ये एकदम सो ट्रू इट इज़, यू नो, जब ये देखते हैं तो आपको खुद रियलाइज़ होता है हाँ ये कितनी सच बात है और ये ऐसा होता है तो यू कैन आइडेंटिफाई विद द फिल्म. तो आई थिंक ग्रेट एफर्ट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बननी चाहिए. थैंक यू. चलो हुसैन हाय. मस्ट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन 1000 टाइम्स बाय नाउ. यस, वन मोर टाइम. It's a very sensitive topic. It's a topic that all of us are aware about also and unaware at the same time. And I think that's what you know, Vanita has actually tried, and I think she's conveyed it very, very well. The way the storytelling also is very good. I mean, apart from the performances, the way it's shot, all of that is brilliant. But most importantly, I think it's a subject that she really feels very close to, and all of us also.
should feel about it, and it's just about creating more awareness. I think the main purpose of this film is probably just create more awareness about this problem that does exist, and somehow at times hum aisa karte hain na, aank pe parda dal dete hain. मेरे ख्याल से ये वही एक फिल्म का एक जरिया है बताने का कि वो पर्दा हमें उठाना है. एग्जैक्ट बिल्कुल ये मेरे ख्याल से एज आई सेड उनका ज़्यादा मोटिव डेफिनेटली फिल्म मेकिंग है, लेकिन नो डाउट आई थिंक शी वांट्स टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में. पता है लेकिन कहीं ना कहीं वो आँख पे पर्दा है, वो पर्दा उठाने की बात है. तो let's hope and pray that it reaches out to as many people as possible. But Preeta, well done, great job, great job. Sorry, ma'am.